রাতভর বোমাবাজির শব্দে হৃদরোগে মহিলার মৃত্যু জগদ্দলে। রাতভর বোমাবাজি জগদ্দলের মজদুর ভবন সংলগ্ন রুস্তম গুমটি এলাকায়। বোমাবাজিতে বেশ কয়েকজন জখম হয়েছেন। পুলিশ বোমাবাজির ঘটনায় দুজনকে আটকও করেছেন। মঙ্গলবার সকালে পুলিশ কমিশনার মনোজ বার্মা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বোমাবাজির পর থেকে এলাকা শুনশান, ঘরে তালা ঝুলিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছেন অধিকাংশ মানুষজন। এদিকে বোমাবাজিতে আতঙ্কিত হয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম রমাবতী দেবী, তার বাড়ি 13 নম্বর ওয়ার্ডের 12ই পাড়ায়। हमेशा नहीं, जब जब दंगा फसाद होता है तो हम ही लोग को मोहल्ला में इधर में दंगा होता है, स्टार्ट यहीं से होता है। और कहीं से सुनाई उतना नहीं देता जितना यहाँ पर दहशत हो जाता है, सबका जीना मुश्किल हो जाता है। हम लोग का एकदम रहना, जैसे छोटा छोटा बच्चा है, इधर उधर 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 हम लोग जाते हैं, कैसे रहना हम लोग को बताइए। हम लोग ठीक से रहे, आप लोग शांति बना करके रखिए। हम लोग को एकदम इधर से उधर, हम लोग को खाना भी नहीं घुटाता है हम लोग को। इतना उसका कष्ट हो गया ना बम से, इतना मतलब, फिर उसको बम चला 3-4 ठो, कितना जोर से उसका सीना में दर्द हो गया। ले जाते हॉस्पिटल, 2-4 दिन के बाद वही तो बम गिरता है। गिरने के बाद से उनका हार्ट अटैक का प्रॉब्लम आ जाता है, इसीलिए उनका हार्ट अटैक हो गया। हॉस्पिटल ले जाते हैं तो रास्ते में ही डेथ हो गया। उम्र कितना? वही तो। आप लोग जाते हैं तो मोहल्ला का आदमी है, क्या चाहते हैं? मोहल्ला के आदमी हम लोग नहीं है। हम लोग क्या चाहते हैं? आप लोग हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग क्या शांति चाहेंगे? यही चाहेंगे ना। প্রত্যেক দিন দাদা বলার মতন কিছু নেই, সবাই এই কাহিনী, কোনোদিন এরকম বাদ নেই যে বলে লাভ নেই আমাদের, কিন্তু এই যে বললেই তো অত্যাচার আবার চালু হয়ে যাবে। আতঙ্কের পরিবেশ, হ্যাঁ, ওটা পুরো আতঙ্কের পরিবেশ। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে বিশ্বজিৎ অধিকারী, রিপোর্ট টাইমস বাংলা।